हेलो 10th क्लास स्टूडेंट, ये वीडियो मैंने जैक एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट टर्म के लिए बनाया है। इसमें क्या है कि सारा जितना भी आपके एग्ज़ाम में जो चैप्टर आने वाले हैं सारे का मिक्स है, यानी कोई कई स्पेशल चैप्टर नहीं है, पूरे चैप्टर से मिला करके जो इम्पॉर्टेंट सब है और जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सारे ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक देखें और इससे निश्चित है कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें। सारा ऑब्जेक्टिव जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने एक जगह कर दिया है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तत्व होते हैं धातु। लोहा पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को या क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, ठीक है। और ऐसे इसको और भी एक नाम है जिसको हम लोग यसद लेपन भी बोलते हैं, अगर हिंदी में आते हैं तो आपको यसद लेपन भी बोलना है, लिखना है, समझना है, यसद लेपन, ठीक है। इसके बाद है एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए। सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक जो है वो CH4 है। सहसंयोजक यौगिक क्या है इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव वीडियो है इसलिए इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आभूषण बनने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 22 कैरेट का होता है। एक उत्कृष्ट तत्व का नाम बताइए। उत्कृष्ट तत्व जो है उसका एक नाम बताना है, तो आर्गन, ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? याद रखना है उसके कांसा कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2 H2O, ठीक है। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार मिलकर आपस में लवण बनाते हैं। एक भस्म का नाम बताना है, तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। एमीटर किस प्रकार का प्रतिरोध, किस प्रकार की युक्ति है? एमीटर जो है किस प्रकार की युक्ति है, कैसी युक्ति है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार का, मतलब कि उसका प्रतिरोध, मतलब याद रखना है ये प्रतिरोध के आधार पर पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका प्रतिरोध किस प्रकार का होता है। तो याद रखना है इसका प्रतिरोध अल्प प्रकार, अल्प प्रतिरोध यानी कम प्रतिरोध वाला युक्ति है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन में आपको याद रखना है कि इसका गलनांक उच्च होता है, ठीक है, और प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कूलाम। आप कह रहे हैं कि श्वसन का अंतिम उत्पाद यानी श्वसन की क्रिया जो बायोलॉजी का क्वेश्चन ही है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 और जल यानी कि H2O, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं इसका 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर। इसके आगे देखिए 14 नंबर में दांत की ऊपरी परत क्या कहलाती है? दांत में जो परत होती है जिसके नष्ट होने से हमारा दांत खराब हो जाता है उस परत का नाम है इनामेल। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो मानव आहार का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है जिसको हम लोग छोद्यांत्र भी बोलते हैं। परागकण किसके अंदर बनता है? परागकण बनता है परागकोष के अंदर। चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? तो याद रखना है जाइलम में। और जाइलम है क्या? तो एक संवहन ऊतक है। आप लोगों को याद रखना है कि ये एक संवहन ऊतक है, ठीक। उसके बाद है RBC की जीवन अवधि कितनी होती है? जीवन अवधि मतलब RBC इतने दिनों के बाद खत्म हो जाता है, वो है 120 दिन। जस्ता या जिंक के अयस्क का नाम है जिंक ब्लेड। सिलिकन क्या है? तो सिलिकन उपधातु है, याद रखना है कि इसे अर्धचालक भी बोलते हैं। उसके बाद है एल्कोहल में कौन सा तत्व होता है? तो नाइट्रोजन। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है फिर भी मैंने चार्ट हो दिया। इसका रीज़न क्या है कि कभी कभी ऑप्शन में होता है, ऑप्शन में होता है कि एक नंबर में क्लोरोफिल, दो नंबर में सूर्य प्रकाश, तीन नंबर में जल, या तीन नंबर में जल एवं CO2, और चौथा नंबर में दे देगा ये सभी। तो आपको चौथा नंबर पर टिक करना है, इसलिए मैंने बता दिया कि सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इनमें से एक में टिक नहीं मारना है या एक के आंसर को नहीं भरना है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखना है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक। इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए तैलीय कागज कैसा होता है, मतलब अगर कागज में हम तेल लगा दें तो कैसा हो जाएगा? तो याद रखना है वो पारभासी हो जाएगा। ऐसे कागज क्या होता है? अपारदर्शी, लेकिन अगर हम उसमें तेल लगा दें तो वो पारभासी हो जाता है। लेंस के आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो उसमें कुछ न कुछ दिया रहेगा चार ऑप्शन में, तो आपको देना है कि मात्रक नहीं होता है, क्योंकि लेंस के आवर्धन का ऐसे ही मात्रक नहीं होता है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में कैसी होती है? तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, यानी प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, याद रखना है अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है? तो वायु
चूँकि निर्वात, तो निर्वात में कुछ नहीं होता है, हवा भी नहीं होता, लेकिन अगर वायु की बात की जाए तो वायु में अणु होते हैं जो क्या करते हैं, सघन माध्यम का निर्माण करते हैं, इसलिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से कम होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। पादप हार्मोन का नाम बताना है आपको, तो पादप हार्मोन का दो नाम है जो बहुत फेमस है, इसलिए दोनों नाम को मैंने लिख दिया है। दोनों में से कोई भी अगर आता है आपका ऑब्जेक्टिव में, आप एक चुन लीजिएगा। दोनों में से एक ठो आता ही है, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं, याद रखना फूल में। पुष्प में नर जनन अंग का नाम क्या है, तो पुष्प में जो नर जनन अंग होते हैं उसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। पुष्प में जो मादा जनन अंग होता है उसका नाम है स्त्री केसर, ठीक है। द्विखंडन, द्विखंडन द्वारा जनन वाले सूक्ष्मजीव, याद रखना है द्विखंडन क्या है, जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें कि द्विखंडन में एक जीव दो भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ बताना है कि द्विखंडन किस में होता है, तो हम तीन ऑप्शन इसलिए दिए हैं कि अगर चार ऑप्शन में से किसी का भी नाम आता है तो आपको चारों में से एक चुनना है, अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, पारिस्थितिक तंत्र यानी जिसमें सारे जीव जीवित रहते हैं, पेड़ पौधे जीवित रहते हैं, वो पारिस्थितिक तंत्र है। इसमें ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश या सूर्य। आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं, आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं, ठीक है।